नमस्कार फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ दीपावली के बाद पड़ने वाले भाई दूज त्यौहार के बारे में बताने जा रही हूँ, उससे जुड़ी कहानी, कथा और शुभ मुहूर्त और ये क्यों मनाया जाता है। भाई दूज भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भाई दूज एक हिंदू त्यौहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन जैसे लोकप्रिय उत्सव के समान हैं। इस विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों को कई उपहार देते हैं और बदले में बहनें भी अपने भाइयों को मिठाई देती हैं। भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊँगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया, दूध से रसोई लिप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँचा, दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे है, गोबर से रसोई लिप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने जब झोला ले लिया जिसमें सांप था, जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, तुझे हार का क्या, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ देर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। इधर बहन ने जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात मां को आकर बताई और वह बाबरी सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बाबरा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई पेड़ के नीचे लेटा है, देख ले, वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, जब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर वहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गढ़ी है और एक बिना गढ़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये सिलाई जमीन में गढ़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिलाई जमीन में गढ़ जाएगी।
यह सुनकर महंत समझ गए कि यह सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया। वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है, सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई का सहरा पहनाने लगे तो बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चिलकवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो वह दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले तीन बार बोल। नागिन ने तीन बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ की से लड़ाई हो गई और एक जेठ छोड़ा, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ा। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वाले भी उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। उसके सारे बहु बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा कि देख तो तुम्हारे पीछे पीछे सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई और भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। और यही कारण है कि भाई दूज के दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन बहनें अपने भाइयों को गालियाँ देती हैं, श्रापती हैं और फिर उन्हें पुनः जीवित करती हैं। ऐसी मान्यता है।